एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं काजोल नरा। तो शुरुआत करेंगे बॉलीवुड और टीवी जगत से जुड़ी चटपटी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर की। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर निर्माता करण जौहर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अक्सर करण जौहर का नाम सुर्खियों में बना ही रहता है। हाल ही में करण जौहर ने अपनी आइकॉनिक सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है के रिमेक को लेकर खुलकर बातचीत की है, जिसके आधार पर करण ने ये बताया कि इस फिल्म के रिमेक में वो किन स्टार्स को कास्ट कर सकते हैं। मालूम हो कि करण जौहर की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ऐसे में जब चर्चा इस फिल्म के रिमेक की हो तो एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाती है। दरअसल हाल ही में धर्मा प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता करण जौहर से एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान फिल्म कुछ कुछ होता है के रिमेक के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर करण जौहर ने खुलकर जवाब दिया। करण जौहर ने बताया कि अगर भविष्य में जाकर कुछ कुछ होता है का रिमेक बनता है तो मैं उसमें अंजलि, राहुल और टीना के किरदार में आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और जानवी कपूर को कास्ट करूंगा। फिल्मेकर करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाला शो कॉफी विद करण हमेशा से ही चर्चाओं में रहता है। इसके 6 एपिसोड सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज में से एक रही है और अब इसका 7वां सीजन भी आ चुका है। इसका पहला एपिसोड हाल ही में दिखाया गया जो सुपरहिट साबित हुआ है। हाल ही में करण जौहर ने इसकी खुशी जाहिर करते हुए इसकी जानकारी दी है। करण जौहर ने 9 जुलाई 2022 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉफी विद करण का पोस्ट शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने जानकारी दी है कि चैट शो कॉफी विद करण 7 के पहले एपिसोड के पहले दिन का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हाई रहा है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, अगर आपने अभी तक #coffeewithkaran7 का एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप जो भी कर रहे हैं बस उसे छोड़िए और जाकर देखिए #hotstarspecial #coffeewithkaran7 अब हर गुरुवार @DisneyPlusHotstar पर स्ट्रीम होगा। सनी देओल के फैंस के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, सनी देओल, भला उन्हें कौन भूल सकता है। पिछले काफी समय से उनकी फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट की चर्चा हो रही है। अब इसका आधिकारिक टीजर सामने आ चुका है। आर बाल्की इसके डायरेक्टर्स हैं और उन्होंने इस फिल्म को मशहूर दिवंगत अभिनेता गुरुदत्त को समर्पित किया है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इसी मौके पर फिल्म मेकर ने चुप का टीजर जारी किया। चुप में सनी देओल के साथ कई जाने माने एक्ट्रेस हैं। इसमें साउथ स्टार दुलकर सलमान भी शामिल हैं। इसके अलावा पूजा भट्ट और श्रेया धनवंतरी भी अहम भूमिकाओं में हैं। चुप के टीजर में सनी, दुलकर और श्रेया की झलक देखने को मिलती है। दुलकर ने ट्विटर पर चुप का टीजर शेयर किया और गुरुदत्त को समर्पित करते हुए लिखा है कि आप हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। श्रेया धनवंतरी ने भी टीजर का फैंस के साथ साझा किया है। यहां तक कि अमिताभ बच्चन ने भी चुप का टीजर ट्विटर पर शेयर किया। टीजर धमाकेदार है, इसका मतलब ये हुआ गुरुदत्त के चाहने वाले जरूर जिसे देखेंगे। आइकॉनिक सॉन्ग वक्त ने किया हंसी सितम भी ओरिजिनल रूप में रखा गया है। तो भाई इसका टीजर इतना धमाल का है तो पूरी फिल्म कितनी धमाल की होगी जरा सोचो। आमिर खान के फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। हालांकि काफी सालों से उनकी फिल्में नहीं आई है। उनकी हर फिल्म में कुछ यूनिक होता है जो उनको बाकी स्टार से काफी अलग बना देता है। आमिर के लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरी बनी हुई है। अब आखिरी बार ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में वो नजर आए थे जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी। साल 2018 में आई ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। अब लाल सिंह चड्ढा के साथ आमिर वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, आमिर हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रिमेक लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर लीड रोल में है। यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आमिर के फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होगी। लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर आमिर खान से IPL 2022 के फिनाले पर रिलीज किया था। लोगों ने इसे खासा पसंद भी किया है। कुछ हेटर्स भी हैं जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। ये 1994 में आई फॉरेस्ट गंप का हिंदी रिमेक है। 1994 की फिल्म को आमिर खान ने अपने अंदाज में पेश किया है। 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब ये कंफर्म हो गया है कि लाल सिंह चड्ढा OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होगी। बिग बॉस विनर बनने के बाद से ही तेजस्वी प्रकाश आए दिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं। कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, कभी अपनी ड्रेस को लेकर, तो अपने कथित बॉयफ्रेंड को लेकर। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। वैसे तो ये बात हर कोई जानता है कि तेजस्वी प्रकाश को अपना लव ऑफ लाइफ बिग बॉस के घर में ही मिला।
इसी शो के दौरान दोनों की दोस्ती बढ़ी, फिर प्यार हुआ। बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी इस कपल को अक्सर एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखा जा सकता है। वही तेजस्वी की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा कर रख दिया। जरा वो वीडियो आपको दिखाते हैं। दरअसल इस वीडियो में एक शख्स नागिन 6 एक्ट्रेस को गले लगाते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी की ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी अपने डांस क्लास से बाहर निकलती हैं और इसी दौरान उनके साथ यहाँ एक शख्स उन्हें गले लगाने लगता है। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। हालांकि वीडियो में तेजस्वी को जो शख्स हग करते हुए नजर आ रहा है, वो कोई अनजान नहीं है बल्कि डांस कोरियोग्राफर प्रतीक है। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।